लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में आचार संहिता लागू है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के शाहपुरा में शांति एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने अलग अलग दल गठित किए हैं। एफएसटी की टीम और पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चोमू अजीतगढ़ स्टेट हाईवे स्थित नायन बस स्टैंड पर थार जीप में 9,87,000 रुपए की राशि जब्त की है। एसडीएम ने बताया कि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दल एफएसटी टीम ने बुधवार को अमरसर थाना इलाके में नायन बस स्टैंड पर वाहन की चेकिंग शुरू की। इसी दौरान थार जीप में 9,87,000 रुपए मिले। चुनावी दल व पुलिस ने गाड़ी ड्राइवर राजावास निवासी मदनलाल यादव एवं गाड़ी में बैठे लोगों से रुपयों के बारे में पूछताछ की तो वे कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद टीम ने पंचनामा कर जब्त की गई राशि को जिला कलेक्ट्रेट कोषालय के लिए भेज दिया। आज हमारी जो एफएसटी टीम है उसका राडावास एरिए में भ्रमण था। उस भ्रमण के दौरान एक थार गाड़ी थी, उस गाड़ी में की जब संदेह के आधार पर चेकिंग की गई तो उसमें 9,87,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। जब उनसे इस राशि के बारे में पूछा गया तो जो मदनलाल और एक अन्य व्यक्ति और बैठा हुआ था उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, ना ही कोई स्पष्ट बताया कि ये कहाँ बैंक से लाए हैं या फिर कहाँ से लेके जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में संदेह के आधार पर हमने आचार संहिता के उल्लंघन के नियमानुसार कार्रवाई की है और इन पैसों को कार्रवाई करते हुए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।